In this video tutorial, we'll talk about Keras. Keras, जैसे कि आप mostly लोगों को पता है कि deep learning में काफ़ी इस्तेमाल हो गया आजकल और इसके काफ़ी ज़्यादा uses हैं जो कि deep learning में काफ़ी helpful है, एक API है. So why we should use Keras और इस तरह के तमाम questions जो आप लोगों के अभी दिमाग में हैं उन सबको answer किया जाएगा इस video tutorial में. Step by step. So let's see Keras ke andar hamara agenda kya hai. First we'll talk about introduction. Introduction ke andar hum tamam points cover karenge jinme Keras ke different points, jo important points hain, why we should use Keras aur uske andar Keras ki advantages aur uske uses की बात की जाएगी. उसके बाद हम लोग कंपैरिजन बिटवीन Keras एंड TensorFlow की बात करेंगे कि TensorFlow और Keras के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं, व्हाई वी शुड यूज़ Keras और कहाँ पे हम लोग को TensorFlow यूज़ करना चाहिए. और इसकी इंस्टॉलेशंस की बात करेंगे. इंस्टॉलेशंस मैं आपको पर्सनली करके भी दिखाऊँगा आने वाली वीडियोज़ में. और उसके बाद हम लोग लाइब्रेरीज और वेरिएबल्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट लाइब्रेरीज हैं, इसके साथ कौन कौन से लाइब्रेरीज इन्वॉल्व होती हैं Keras के अंदर, जस्ट लाइक बैक एंड वर्क्स ऑन TensorFlow, और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. कॉन्वोल्यूशनल लेयर कौन कैस क्या होती हैं, वी विल टॉक अबाउट कॉन्वोल्यूशनल लेयर फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके अंदर फिल्टरिंग क्या होती है, इसके फिल्टर साइज क्या होता है, स्ट्राइड्स क्या होते हैं, कॉन्वोल्यूशंस क्या होती हैं, उन सबको डिस्कस किया जाएगा इन Keras के Keras और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखी जाएगी. मैक्स पूलिंग क्या होती है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन Keras वो भी देखेंगे हम लोग. और डेंस लेयर क्या होता है Keras के अंदर, हम लोग इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट. इट्स अ लिंक, यू कैन गो देयर एंड चेक आउट देयर डॉक्यूमेंटेशन. ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है Keras की. अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो सो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट. सो Keras एक्चुअली में एक हाई लेवल न्यूरल नेटवर्क API है. हाई लेवल मीन्स के बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, इसको अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताऊँ तो बहुत आसान इंसानी ज़ुबान में, मतलब कि इट्स क्लोज़र टू इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत क्लोज़ है. अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बैक एंड की, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी अबाउट डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, तब भी आप Keras को अप्लाई कर सकते हो विथ वेरी लो कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग. सो दैट्स वाई Keras इज टोटली गेटिंग फेम इन इंडस्ट्री एंड पीपल आर इनक्रेज टू यूज़ उसको. लोगों को कहा जाता है कि Keras यूज़ करें और इसे सीखें. सो इट्स रिटन इन पाइथन, सो इसका पाइथन कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है. अगर आप इसका कोड लिखेंगे सो अभी आने वाली वीडियोज़ में तो आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा कि कितना आसान है इसको यूज़ करना पाइथन में. कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन टॉप ऑफ टेंसर थियानो एंड CNTK. सो TensorFlow इसकी बैक एंड जो होता है वो TensorFlow होता है, थियानो होता है या माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव टूल किट होती है. सो मेजॉरिटी केसेस में इसको TensorFlow और थियानो की यूज़ करते हैं और इन आर केस विल बी यूजिंग TensorFlow. सो Keras कैन बी रन ऑन बोथ CPU एंड GPU. आपके पास ज़रूरी नहीं है कि GPU बहुत अच्छा हो और बहुत हैवी कंप्यूटर आपके पास पड़ा है, बहुत हैवी मशीन पड़ी है आपके पास, तो तब भी आप Keras को यूज़ कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप CPU के ऊपर, सिंपल CPU के ऊपर भी इसको Keras को रन कर सकते हैं. ये बहुत यूज़र फ्रेंडली API है. और अगर आपके पास GPU है तो दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि उससे आपकी कंप्यूटेशन और बेहतर हो जाएगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा. फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन, अगर आपके पास कोई आइडिया आता है किसी मॉडल को बनाने का और आप
चाहते हो कि उसका जल्दी से आउटपुट आए और आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, उसमें ट्वीक्स करके देखो, उसके हाइपर पैरामीटर्स चेंज करके देखो, तो सबसे अच्छी लाइब्रेरी इसमें अभी तक केरास है, जिसमें आप ये काम बहुत आसानी से पाइथन के अंदर कर सकते हो। विद अ फ्यू लाइन ऑफ कोड्स आप एक मॉडल जनरेट कर लेते हो, जिसके अंदर आपका मॉडल बहुत आसानी से रन हो जाता है और आपको आउटपुट भी शो हो जाती है, एंड यू कैन सी दैट इन आर कमिंग वीडियोज़। सो दैट वॉज ऑल इंट्रोडक्शन अबाउट केरास एंड